पंचकुला में देर रात हुए हत्याकांड को जिसने भी देखा होगा यकीन मानिए उसकी रूह जरूर कांपी होगी। माजरी चौक पर रात के अंधेरे में हुए मर्डर को सुन और देख आप भी सहम जाएंगे। गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात हमलावरों ने युवक पर तलवारों हॉकी डंडों से हमला कर बेरहमी से युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। हमलावरों ने पहले मृतक रिंकू की गाड़ी को बुरी तरह तोड़ा और उसके बाद रिंकू और हरविंदर की हत्या कर दी। तो मेरे ब्रदर नूं आया सी तां उहनां दी वाइफ ने कहा भी उहदा एक्सीडेंट हो गया, भी एक बारी जाके उत्थे चैक कर लियो, भी जे जरूरत होई तां मैं आ जूंगी, नहीं तां तुसीं बैंडेज वगैरह करा के घरे छड्ड दिओ। तां असीं इह देखण आए तां इत्थे चार पंज मतलब कि मुंडे पहलां सीगे ते असीं आ के उहनां तों पता कीता तां उहनां ने कहा भी एक्सपायर हो गया। ते उन लड़कों ने क्या बताया कि आपको कैसे एक्सपायर हुआ? उनको भी फोन आया था, उन्होंने बताया कि लड़ाई हुई है, हमें बाहर एक्चुअली हम उनसे पूछ के तो हम बाहर आए। हमको बाहर आपको कैसे पता चला कि मर्डर हुआ है? यहाँ आकर पता चला देखकर। हाँ तो करते क्या थे आप? जॉब वगैरह करते थे, मतलब कि 10-15 हज़ार रुपये दी नौकरी। ओके, हाँ जी। तो जब इनके ऊपर ये हमला हुआ तो कुछ पता चला कि इनके साथ कोई लड़के मौजूद? कहने में जो कहने में आया वो ये है कि 3-4 लड़के थे और वो भाग गए और भाई अकेला फंस गया। तो इनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया? गाड़ी भी तोड़ी है। तो मर्डर किया कैसे गया है कुछ पता? मर्डर बड़े गंदे तरीके नाल किया गया। नहीं हथियार आपको पता चलोगी गोली इस्तेमाल? नहीं नहीं नहीं, शार्प एज्ड वेपन गंडासा कृपाण वगैरह ते किर्च वगैरह नाल किया गया। तो आप में से किसी की पुलिस से कोई बात हुई है? नहीं, हमारी हम आई सीधा हॉस्पिटल है, जब हम आए हैं यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। तो जड़ा मतलब कि मुंडा एक्सपायर होने वाला है साढ़े भरा ही है, तो है एक सिंपल जहा बंदा सी। फैमिली में कौन कौन था इनकी? उनकी फैमिली में एक वाइफ है तो वो लग रही है, तो बेटी है, तो मम्मी डैडी हैं बस। तो आप वो मुंडा बड़ा साहू सीगा, वैसे माड़ी कदे बाई चांस लड़ाई हो जाए तो हो जाए, पर जिमें कह रहे हैं कि किसी नाल लिंक सीगा, उहदे नाल लिंक सीगा, वो कुछ नहीं सीगा। रोपड़ का रहने वाला है, उसका यहाँ मर्डर हुआ है और उस संबंध में हम सभी तीनों क्राइम टीम में से चुवाए हैं और उसको अस्पताल पहुँचा दिया है, डेड बॉडी को। इन्वेस्टिगेशन अभी हमने शुरू कर दी है, जो फैक्ट्स हैं जो सामने आए हैं उस पर FIR दर्ज अभी हमारी करके इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत इसका जो एक्यूज़ है उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। सर अब कितने आरोपी आए थे कुछ पता लगा? और लड़का जो जिसका मर्डर हुआ किस चीज़ से इस पे वार किया गया? जो अब तक का जानवर है उसको ना तलवार या उसको गंडासी वगैरह से किया गया वार उस पर, और कम से कम 8-10 लड़के उन्हें बताए गए हैं। सर बताया गया पूरी गाड़ी भी तोड़ी गई है काफी? हाँ, गाड़ी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। सर मरने वाला युवक कहाँ से? सर रोपड़ से है, पंजाब। और यहाँ पे कहाँ रहता था सर, कुछ पता चल रहा है? यहाँ पीछे से जो झगड़ा है इधर ममता इनक्लेव में रहते थे शायद, जो बताया अभी तक हमें जानकारी हुई है जीरकपुर में। आरोपियों ने रिंकू पर करीब 20 से 22 बार तलवार से हमला किया। बदमाशों का तब भी मन नहीं भरा तो रिंकू की नाक तक काट दी और उसके मुंह पर तलवारों से बुरी तरह वार कर दिए। मृतक की पहचान चंडीगढ़ के रिंकू उर्फ हरविंदर के रूप में हुई। घटना के बाद रिंकू को नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने रिंकू को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जांच टीम हत्या के कारणों की गहनता से जांच में जुट गई है। पंचकुला से उमंग श्योराण, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।